नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी आपसे गुजारिश है, हम अपने बीजेपी कार्यालय के सामने बैठे हैं इसलिए क्योंकि एक होप है इनके ऊपर। ये हमारी इनके पास हमने अपने मेमोरेंडम पेश किया, इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपके मांग के ऊपर हम एक कमेटी बनाएंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट आई है और हम चाहते हैं कि जो हमारा टाइम है वो कम किया जाए और जो हमारे सैलरी उसको बढ़ाया जाए, नहीं तो हम यहीं पर रहेंगे। जब तक प्रशासन हमारी मांगों को मानेगा तब तक ये जो हमारा जो स्ट्राइक है ये जारी रहेगी। और मेरी गुजारिश है माननीय जो हमारे जो गृह मंत्री है, हमारे जो अमित शाह साहब है या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर एक अच्छा जी रखते हैं नरेंद्र मोदी जी, मेरी उनसे भी गुजारिश है और जो हमारी यंग लीडरशिप है मेरी उनसे भी गुजारिश है कि हमारी मांग के ऊपर आप दर्दमंदाना तौर पर सोचिए। और आप देखिए कि 2800 फैमिलियां सफर कर रही है और हमें उम्मीद है अपने एलजी साहब से और अपने रविंद्र साहब से कि ये हमारी मांगों को मनवाएंगे और गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर का बनाएंगे कि हमारी मांग को माना जाए और हमें यहाँ से वापसी, जब हम यहाँ से जाए तो हम जो पूरी मांगे हैं उनको फिल करके जाए। और अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो हमारा जो प्रदर्शन है ये बिल्कुल जारी रहेगा तब तक जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा। आज आठवां दिन है हमें यहाँ पे अपने होटल पांडे के लाते हुए, तो मैं यही दरख्वास्त करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो एलजी साहब आपने जो वादा किया था हमारे पास वो जो एंटी ऑर्डर हमारे लिए आया था 29 मई को, और 29 मई को आपने वादा किया था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और आपने वादा किया था जो आपके 7 साल हैं प्रोविजन पीरियड के उसको मैं 5 साल करूंगा, क्योंकि मैंने एलजी साहब को बताया था कि जम्मू कश्मीर में जो रैबर्स की स्कीम है जितनी चलती हैं उन सबके 5 साल हैं टाइम पीरियड, 5 साल है हमारा ही टाइम पीरियड, 7 साल रखा है एलजी साहब, हम इस चीज़ की फाइट कर रहे हैं। लेकिन आपने ये एंटी ऑर्डर निकाल के आपकी ब्यूरोक्रेसी ने किसने एंटी ऑर्डर निकाल के ये हमारे एंटी आ गया ऑर्डर कि जो पोस्टें हमारे लिए रखी गई थी उनको डिसमिस करें और ये लोग इस तरह से ही रहेंगे, हम रैबर खेल कैसे परमानेंट होंगे। हमारी डिमांड यही थी, एलजी साहब ने बोला था ठीक है। उस समय मनोज द्विवेदी साहब को जो प्रिंसिपल गार्ड के सेक्रेटरी थे, उस समय उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको अपने साथ बिठाया था, उनको आदेश भी दिया था एलजी साहब ने कि अगर देखो किसी और का अगर 5 साल 7 साल से ज़्यादा नहीं है
पाँच साल से ज्यादा नहीं है, तो इनका भी पाँच साल कर दें और सैलरी इतनी कर दें ताकि इनका जो घर बार है वो चल पाए। रविंदर रैना जी उस समय क्योंकि प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हमने तभी किया था, हम यहाँ पे तभी बैठे हैं क्योंकि उस समय रविंदर रैना जी को मैंने बोला था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जैसे अजी साहब ने बोला 7 दिन के अंदर ऑर्डर आएगा, हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो हम दोबारा आपके पास ही आएंगे क्योंकि आपने हमारे बीच में बैठ के प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करवाया था, इसलिए दोबारा यहाँ पे आए हैं। अब वो जब उनको दोबारा पता चला है कि वो ऑर्डर अभी तक इन पे दोबारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और राणा साहब इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम देख रहे हैं उनके इनिशिएटिव को, उन्होंने कमेटी भी बनाई है, उस पर भी वो बातचीत चल रही है, उसकी रिपोर्ट की भी बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, लेकिन जब तक रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि पहले हम आश्वासन बातों से उठ के चले गए थे, लेकिन जब तक रिटर्न नहीं आएगा हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और ये प्रोटेस्ट हमारा इस तरह से चलता जाएगा, अदरवाइज कुछ दिन देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो ये प्रोटेस्ट किसी और तरफ रुक लेंगे।